हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लाया हूँ ये साइन बोर्ड का वीडियो है। साइन बोर्ड पे जो लेटर की राइटिंग है वो मैं करूँगा। इस पे पहले मैंने लेमन येलो कलर लगाया हुआ है और इसके बाद धागे से मैं कुछ लाइनें बना रहा हूँ। ये लाइनें बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जो लेटर का डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल सीधा रहता है इससे, और इससे आइडिया भी लगता है कि हमारा जो मैटर है, जो हमें लिखना है, वो परफेक्ट बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा, इससे आइडिया लग जाता है। और इसी से हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें जो लेटर का जो साइज़ है वो कितना रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले कलर लगाया था और धागे से लाइन बनाने के बाद थोड़ा सा ड्राइंग को भी किया था ताकि आइडिया लग जाए कि लेटर का जो साइज़ है वो परफेक्ट साइज़ क्या रहेगा और कितने साइज़ में हमारा बोर्ड पे जो लेटर है वो बिल्कुल फिट बैठेगा। और इसके बाद मैंने इस पर राइटिंग करना शुरू कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, राउंड लेटर की राइटिंग है वो मैंने करना शुरू की है। ये जो हमारे भाई हैं बिगनर्स, जो पेंटिंग का काम सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, या जिन भाइयों को राउंड लेटर की राइटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, वो इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें। आसानी से आप भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी से लेटर को बना रहा हूँ। सिर्फ आप ये देखिए कि किस तरीके से मैं लेटर बना रहा हूँ। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखेंगे तो लेटर बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बना सकते हैं ईज़िली। तो आप वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से राउंड लेटर राइटिंग को लिखता हूँ।
कि मैंने जो लेटर राइटिंग का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इस पर शेडिंग देता हूँ। शेडिंग का जो काम है इसको करने से जो लेटर में खूबसूरती है वो बढ़ जाती है थोड़ा सा, तो इसलिए इस पर शेडिंग दे रहा हूँ मैं। और शेडिंग जो मैंने दी है वो डाउन टू राइट दी है, ज़्यादातर पेंटर लोग डाउन टू राइट ही देते हैं, तो मैंने भी डाउन टू राइट ही दी हुई है। राइट में थोड़ा सा लाइट कलर का यूज़ किया हुआ है, लाइट ग्रीन, और जो डाउन में किया हुआ है वो डार्क कलर यूज़ किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं धीरे धीरे शेडिंग को कंप्लीट कर रहा हूँ और आप लोग देखिए और देखने के बाद बताइए, जैसे कंप्लीट होता है बताइएगा कि जो शेडिंग दी है वो कैसी लग रही है। कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा, और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं काम करूँगा तो उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी लाइक सॉरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक रहिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरीके से शेडिंग देके बोर्ड को कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे कि शेडिंग देने के बाद जो लेटर है वो इस तरीके का दिख रहा है, और ये जो फाइनल है वो इस तरीके का हुआ है कंप्लीट बोर्ड हमारा। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइटिंग का काम कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।